अस्सलाम वालेकुम, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल प्योर हार्ट विद मदीहा। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड हिट द बेल आइकन टिंग 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 फॉर मोर फर्दर वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। शहनवारी मटन कढ़ाही 100% कमर्शियल रेसिपी, होटल रेस्टोरेंट वाली सेम यही रेसिपी है। आपने इसे लाजमी ट्राई करना है, बहुत मज़े की बनती है। सेम आपको मिलेगा होटल और रेस्टोरेंट वाला इसमें टेस्ट। और इसको बनाना बहुत इजी मेथड है, थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेनी है। एक छोटा गिलास पानी का लेकर आपने उसमें एक टीस्पून पिसा हुआ लहसुन डाल देना है। जो होटल वाले होते हैं, जो रेस्टोरेंट वाले होते हैं, वो ये लहसुन का पानी यूज़ करते हैं। और अच्छा सा मिक्स करके इसे आधे घंटे के लिए आप रख लें, ताकि लहसुन का जो पानी के अंदर खुशबू आनी है वो अच्छी सी आ जाएगी। और 20 मिनट के लिए इसे या आधे घंटे के लिए आप इसे रख लें। और इसके बाद ही मेरे पास 1.5 किलो गोश्त था, 1.5 kg मटन था मेरे पास विद बोन, और एक ये बड़ी चर्बी का मैंने पीस ले लिया था। आपने हड्डी वाला गोश्त लेना है, क्योंकि कढ़ाई का टेस्ट उसी में ही आता है जो हड्डी वाला गोश्त होता है। आप इसी तरीके से सिंपल मटन ले लेंगे, अगर उसमें हड्डी ना हुई तो वो इतना मज़े का खास टेस्ट नहीं देता। और साथ ही मैंने ले ली थी 2 अदद हरी मिर्चों को, बिल्कुल इस तरीके से बारीक कट कर लिया था। हल्दी 1/4 टीस्पून, अदरक पेस्ट 1 टीस्पून भरकर, नमक 1 टीस्पून, और साथ दूसरी पड़कर 1 चुटकी कलौंजी, 1 टीस्पून ही पिसी हुई लाल मिर्च भरकर, और साथ ही जो मैंने आपको बनाना बताया था लहसुन का पानी वो, ये देखें ये तकरीबन आधा घंटा हो गया था। तो अब मैं शुरू करने लगी थी, इन सारी चीज़ों को मैंने डाल लेना है प्रेशर कुकर में, ताकि ये अच्छा सा पहले कुक हो जाएगा और फिर इसके बाद का जो बाकी प्रोसीजर होगा वो तब मैं करूँगी। और ये देखें प्रेशर कुकर ले लें आप, आपके पास अगर प्रेशर कुकर नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप कढ़ाही में, देगची में, मिट्टी की हांडी में, जिसमें भी जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है, आप उसके अंदर ये सारी चीज़ें इसी तरीके से डालें। और इसको 80% तक आपने कुक करना है, इसको पूरा नहीं पकाना, 100% तक कुक नहीं करना, 80% तक कुक करना है। जो 20% इसका कुकिंग वाला प्रोसीजर रह जाएगा वो इसकी भुनाई में, और आगे का सारा जो काम करना है वो आपको पता चलेगा कि मैं क्यों आपको कह रही हूँ कि आपने 80% करना है, क्योंकि 20% तक ये उस टाइम तक हो जाएगा। 2 गिलास इसमें मैं डाल दूँगी पानी के, सारी चीज़ें इस प्रेशर कुकर में डाल लेने के बाद 2 गिलास मैंने पानी के इसमें ऐड कर लिए, और इसको मिक्स करके, और फिर मैं इसे विसल देकर, और तकरीबन ये जब 80% तक हो जाएगा, लाइक ऑलमोस्ट ये 20-25 मिनट लगे थे तो ये हो गया था। और इसके बाद आ जाते हैं बाकी चीज़ों की तरफ। ये मैंने टमाटर ले लिए थे, और टमाटर जो थे वो मैंने लिए थे तकरीबन 7 से 8 अदर टमाटर ले लें, ऊपर से इस तरीके से कवर इसका हटा लें, और इसको इस तरीके से आपने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, 2 हिस्सों में इसे काट लेना है। 3 अदद साबुत हरी मिर्चें इसी तरीके से ले लेनी है, जूलियन कट अदरक ले लेनी है आपने, ये तकरीबन 1 टेबलस्पून भर कर थी, और इसी तरीके से 2 से 3 अदद हरी मिर्चों को जूलियन कट कर लिया था, 1 टीस्पून भर कर कुटी हुई काली मिर्च, और इन सारी चीज़ों को जिस तरीके से यूज़ करना वो मैं बता दूंगी। और ये देखें ये गोश्त तकरीबन 80% तक गल गया था, थोड़ा सा गर्म था, मुझे बताते हुए थोड़ा हो रहा था, लग रहा था ये गर्म गर्म, तो आपको समझ आ गई होगी कि कितना मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि 80% इतना ही होता है। इसके बाद लोहे की कढ़ाई ले लेनी है, अगर आपको ओरिजिनल बाजारी आपको टेस्ट चाहिए तो आपने क्या करना है कि लोहे की कढ़ाई तो मस्ट एक रख लें, क्योंकि कढ़ाई का टेस्ट चाहे जितने भी मैं आगे आपको वैरायटी सिखाऊं, कढ़ाई का असल टेस्ट इस लोहे की कढ़ाई में ही आता है। और ये देखें इस तरीके से इसे मैं मिक्स कर लूँगी, और ये जो इसके अंदर चर्बी है, जो फैट है, उसको मैं इस तरीके से कट करती जाऊंगी इस स्पून की हेल्प से ही, और साथ साथ इसे मिक्स करती जाऊंगी। और इसके बाद मैंने फ्लेम जो थी वो इस टाइम रख ली थी मीडियम, और मीडियम फ्लेम पर ही इसे मैं कर रही थी कुक। और साथ ही इसमें मैं ऐड कर लूंगी घी, घी जो थे वो मैंने 3 से 4 डोंगे के चम्मच डाल दिए थे, क्योंकि जो इसमें मैंने चर्बी यूज़ की थी वो भी चिकनाहट होती है, उसमें भी लाइक ऑयल होता है, फैट होता है, तो इसीलिए 3 से 4 डोंगे के चम्मच इसमें इनफ थे घी के।
और इसके बाद जो मेन इसका इंग्रेडिएंट है ये आप डाल देंगे टमाटर। ये देखिए टमाटरों को जो दो हिस्सों में डिवाइड किया था उसको इस तरीके से ऊपर रख लेना है और इसका छिलका नहीं रिमूव करना है। इसके बाद इसे कवर करेंगे तो ये जो छिलका है इसका वो खुद ब खुद रिमूव हो जाएगा और फिर उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। ये देखें, और इन टमाटरों को रखने के बाद आपने इसको मिक्स नहीं करना, एज इट इज़ ही बिल्कुल इसी तरह ही आपने टमाटर रख लेने हैं इसके ऊपर। और इसके बाद ये जो 3 अदद हरी मिर्चें थी साबुत, वो मैं इसको इसी तरीके से ऊपर रख लूँगी कि ये जब उसको कवर करके रखूँगी तो ये एक अच्छा सा अरोमा, अच्छी सी खुशबू इसको दे देगी। और इसके बाद मैं इसे कर लूँगी कवर। और आग जो थी, जो फ्लेम थी, वो मैंने उसको थोड़ा सा स्लो कर दिया था, तकरीबन इसे मैंने रख दिया था मीडियम टू लो के दरमियान में। और इसको तकरीबन मैं रखूँगी 10 से 12 मिनट तक इसे हल्की आग पर रखूँगी ताकि वो जो 20% की कसर थी, जो मैंने आपको कहा था कि 20% अभी नहीं कुक करना, तो वो इसको कवर करेंगे तो वो 20% वाली जो कसर है इसकी वो इस टाइम तक पूरी हो जाएगी। और जैसे ही इस टाइम गोश्त बिल्कुल फुल पक चुका था, और इसके बाद ये टमाटर के छिलके मैं हटा लूँगी सारे अच्छे से जल्दी जल्दी से करके, इन टमाटरों के जो छिलके हैं वो मैं रिमूव कर दूँगी। ये देखिए बहुत इजीली निकल जाते हैं, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये देखें, और जैसे ही सारे टमाटरों के छिलके मैंने हटा लिए, और इसके बाद मैं इसकी कर लूँगी बहुत अच्छे से बुनाई ताकि जो टमाटर हैं वो इसके अंदर घुल जाएंगे, वो इसके अंदर बिल्कुल डिजॉल्व हो जाएंगे। टमाटरों को अच्छा सा इसमें हमने मिक्स कर लेना है ताकि टमाटर, ये देखें इस तरीके से आप चम्मच से करते रहें और टमाटर इसमें खुद ही लाइक डिजॉल्व होते रहेंगे और एक अच्छी सी ग्रेवी बन के आ जाएगी। ये देखें बहुत अच्छा सा भूनना है, जब ये अच्छा सा भून जाएगा और घी इसका फिर सेपरेट होने लग जाएगा, उसी दौरान जैसे ही टमाटर देखें सारे इसमें डिजॉल्व हुए हैं, घुल गए हैं, तब मैं इसमें ऐड कर लूँगी जूलियन कटी हुई अदरक, और ये आधी मैं अभी डाल रही हूँ और आधी मैं उधर रख लूँगी गार्निशिंग के टाइम पर। ये देखें बहुत अच्छा सा इसे मैं भूनती रहूँगी, और ये जब बहुत अच्छा सा भुन जाएगा, थोड़ी सी वीडियो मुझसे स्किप हो के मुझसे डल हुई है वो, तो मैं आपको बता देती हूँ। जब घी इसका सेपरेट हो जाएगा और एंड पे आपने चूल्हा बंद करके वो जो पिसी हुई कुटी हुई काली मिर्च मैंने आपको दिखाई थी ना पहले, वो आपने चूल्हा बंद करके और वो काली मिर्च इसके ऊपर डाल लेनी है। और इसके बाद फिर आपने 2 मिनट के लिए कवर करना है और फिर उसको आपने कर लेना है डिश आउट। बस सिर्फ ये एक काम करना है जो कि इस वीडियो में नहीं दिखाया गया था क्योंकि वो वीडियो मुझसे डल हो गई थी। तो ये हेयर इज़ द फाइनल लुक, देख लें सारी सेम वही चीज़ आई है। और वो जो लंबी कटी हुई हरी मिर्चें थी, जूलियन कट हरी मिर्चें, वो मैंने ऊपर डाल दी थी, और वही अदरक जो जूलियन कट थी वो मैंने इसके ऊपर अब डाल दी थी। ठीक है, बाकी सारा मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और इस तरीके से लेमन को मैंने कट करके थोड़ा फ्लावर शेप में कर लिया था ताकि लुक वाइज भी थोड़ा टेम्पटिंग लगे। और खाने में तो सीरियसली बहुत ही कमाल का, बहुत मज़े का, बहुत डिलीशियस बना है, सेम होटल रेस्टोरेंट वाला। आप खाएंगे तो आप वाकई ही इंजॉय करेंगे, और आप मुझे खुद आके कमेंट सेशन में बताएंगे कि मदीहा इसमें और होटल वाली में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है, बल्कि घर का जो बना है वो उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा बना है। तो आपने लाजमी इसे ट्राई करना है, आपने लाजमी मुझे इसे बताना है ट्राई करके कि कैसा बना और आपकी फैमिली को खाकर ये कैसा लगा। और इसके अलावा मेरी एफर्ट्स अच्छी लगी हो तो इसको कर दें लाइक, और चैनल पर नए हैं तो इसको कर दें सब्सक्राइब, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि वो भी बहुत अच्छी अच्छी सी मज़े मज़े की डिशेज़ ये ट्राई करते रहें। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये देखें कितना अच्छा मटन गला हुआ है। और ये वही था कि अगर मैं 80% के बजाय 100% में प्रेशर कुकर में कर लेती तो ये इस टाइम तक बिल्कुल इसकी हालत ख़राब हो जानी थी, तो इसीलिए 80% वहाँ पे करना है और 20% इसको कढ़ाही में करना है। और आपने लाजमी इसे ट्राई करना है, सीरियसली आप बहुत ही इंजॉय करेंगे खाकर। रमज़ान में लाजमी बनाएं, और इसके अलावा सहरी अफ्तारी में इसे बनाएं, जिस तरह से दावतें होती हैं दावतों पर बना के रखा करें। और अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बरकत दे, अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और अल्लाह ताला हम सब को अपने घरों की ढेरों खुशियां देखनी नसीब करे। एंड फ्रॉम माय साइड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।